सुपर 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 इजी एंड सुपर इफेक्टिव फेस पैक के बारे में बताने वाली हूँ जो आप दिल्ली घर पर बना सकते हैं और उसके साथ अगर आप लगाओगे ना तो आप नेक्स्ट डे मुझे थैंक यू बोलने आने वाले मेरे वीडियो पे। वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ उसके साइड पे जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल के हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन्स। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक फेस पैक के बारे में आपसे शेयर किया था और जब आप सबने उस फेस पैक के बारे में सुना तो आप लोग थोड़ा शॉक हो गए कि इस चीज का फेस पैक बनता है क्या। जी हाँ, मैं मैरीगोल्ड फेस पैक के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन चेक करें। लेकिन वो जो फेस पैक के बारे में मैंने आपको कहा था वो था ऑयली स्किन के लिए। जी हाँ, मेरा स्किन है ऑयली और मुझे एक्ने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कभी कभार, तो मैंने मेरे जो स्किन टाइप है उसके लिए कहा था और मैंने उसमें स्पेसिफिकली मेरे जो वीडियो का टाइटल है उसमें भी मैंने बता दिया है। लेकिन ये सवाल अब ये आता है कि जो मैरीगोल्ड फ्लावर है यानी गेंदा फूल जो है, क्या हम ड्राई स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल जिनके भी मन में था उनके लिए एक ही आंसर है, जी हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट डालेंगे, हम सेम फूल का पेस्ट डालेंगे। और ये जो फेस पैक है जिनको भी ड्राई स्किन है, मतलब जिनको भी मॉइस्चर की कमी रहता है ना किसी भी स्किन को, जिसके लिए बहुत ज्यादा डल दिखता है फेस और वाइट वाइट पैचेस आ जाता है, वो बहुत ही खराब लगता है, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए ये फेस पैक एकदम बेस्ट है। और किसी किसी को वो भी प्रॉब्लम होता है, सन डैमेज हो जाता है, मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा बर्न टाइप का लगता है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ऐसा दिखता है सनबर्न स्किन, तो उसके लिए ये फेस पैक एकदम इफेक्टिव है। और एक बात है वो ये है कि आप सबको पता है मैं जितनी भी फेस केयर पे वीडियो बनाती हूँ उसी में मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मेरा स्किन सुपर ऑयली है, तो अगर ये फेस पैक मैं मेरे फेस पे अप्लाई करूंगी तो शायद आपको लगेगा कि मैं ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये फेस पैक अगर आपको कोई ड्राई स्किन की कोई अगर लगाकर दिखाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। स्पेशली ये वीडियो के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड मानी है, वीडियो पे आकर वो एक फेस पैक लगाएगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं, मेरी मम्मी है, स्वागत करते हैं मेरी मम्मी का ये वीडियो पे और वही आपको ये फेस पैक अप्लाई करके दिखाएगी, मतलब डेमो आज मेरी मम्मी आपको दिखाने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम बनाएंगे गेंदा फूल का फेस पैक फॉर ड्राई स्किन और उसके साथ हम ये भी देख लेंगे कि अपने फेस पे हम कैसे लगाएंगे ये सुंदर सा फेस पैक को। तो पहले हम देख लेंगे ये फेस पैक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ऑब्वियसली गेंदा फूल का फेस पैक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए गेंदा फूल यानी मैरीगोल्ड फ्लावर, हमें चाहिए गाजर यानी कैरेट, रोज वाटर यानी गुलाब जल, आप कोई भी कंपनी का गुलाब जल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाबर का लिया है, एक चम्मच मिल्क पाउडर, मैंने यहाँ पे एवरीडे कंपनी का मिल्क पाउडर लिया है। तो चलिए अब हम ये फेस पैक बना लेते हैं। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियोस पे कहा था वैसे ही पहले हम गेंदे फूल का पेस्ट बना लेंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कैसे हम मैरीगोल्ड का पेस्ट बनाते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। पहले हम जो सारी पंखुड़ियां है इसे हम अलग करेंगे और उसके बाद हम पंखुड़ी के साथ थोड़ा सा रोज वाटर मिलाएंगे और उसका हम एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में। उसके बाद हम गाजर लेंगे, उसको हम ऊपर का पोर्शन को कट करके धोकर उसका ऊपर का जो पिल है उसे हम पिल आउट कर लेंगे और उसके बाद एक ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे गाजर को। देन हम ग्रेटेड गाजर को मैरीगोल्ड फेस पैक के साथ मिलाकर एक अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। आप सेम मिक्सर ग्राइंडर पे कर सकते हैं जिस पे आपने गेंदा फूल का पेस्ट बनाया। तो गेंदा फूल और गाजर का पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसमें जो एक चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया था हम इसमें मिला देंगे और उसे हम अच्छे से इस मिक्सचर पे हम मिला देंगे। अगर आपका स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो आप इस स्टेप में थोड़ा सा हनी मिला लीजिए, ये आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। टन टन एन, तो बनके तैयार हो गया हमारा मैरीगोल्ड फेस पैक फॉर ड्राई स्किन। तो चलिए अब हम इस फेस पैक को लगाते हैं। सो ये है मेरी स्वीट सी मम्मी, मुझे लगता है आपने बहुत सारे वीडियोस पे देखा है, अगर नहीं देखा है तो मीट माय मदर टैग में देखिए, वो उस वीडियो पे भी मेरी मम्मी आई थी। सो मेरी मम्मी थोड़ा सा नर्वस थी इस वीडियो के पहले, एक्चुअली मम्मी उतना कंफर्टेबल नहीं है इसीलिए थोड़ा सा ऐसा नर्वस दिख रही होगी आपको। तो मैंने मम्मी को कहा था बस आप यही सोचो कि आप मिरर को देख रहे हो, कैमरा को नहीं। सो उसके बाद मम्मी तैयार हुई है। सो चलिए अभी फेस पैक लगाते हैं। सो फेस पैक लगाने के पहले आप अपने फेस को क्लीन कर ले, आप नॉर्मल पानी से ही क्लीन करें, फेस वॉश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाए
आप फेस पैक को लेकर हल्के हाथों से एक मसाज दें, क्योंकि इस फेस पैक पे लिक्विड कंटेंट है, तो आप कोशिश करें वो जो लिक्विड कंटेंट है उसे अच्छे से एक मसाज देने के लिए, ताकि कि वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। धीरे धीरे अपने फेस और अपने नेक को एक मसाज दें। धीरे धीरे फेस पैक को डैप करते हुए अपने फेस और नेक पे लगा दें। आफ्टर 15 मिनट अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। सो फेस को वॉश करने के बाद आप अपने फेस को ड्राई कर लें टॉवल की मदद से, और उसके बाद चाहे तो आप कोई मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मेरी मम्मी ने नहीं लगाया था, तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी की स्किन पे बहुत अच्छा एक ग्लो आया है। सो मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, यहाँ पे वो खुद ही को देखे जा रही है। और एक्चुअली मेरे मम्मी को डायबिटीज़ है, सो उनको थोड़ा सा आई साइट पे प्रॉब्लम है, सही से नहीं देख पाती विदाउट चश्मा, इसे देख रही थी। तो इसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, सो वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये फेस पैक का वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट, एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माई लवली फ्रेंड।